पाकिस्तान पिछले कुछ समय से लगातार भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी देता आया है, लेकिन अब वो गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने की नई फैक्ट्री तैयार कर रहा है। कुछ सैटेलाइट तस्वीरों से पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है, देखिए रिपोर्ट। भारत और पाकिस्तान में जारी तनाव के बीच पाक गुपचुप तरीके से अपनी साजिशों को अंजाम देने में लगा है। कभी वो जासूसी के लिए अपने ड्रोन भारत भेजता है, तो कभी वो चीन के साथ मिलकर योजनाएं बनाता है। अब फिर एक बार पाकिस्तान की साजिश का खुलासा हुआ है। सैटेलाइट तस्वीरों से पता चला है कि पाकिस्तान ने अपने चश्मा परमाणु संयंत्र में परमाणु बम बनाने के लिए प्लूटोनियम पृथक्करण केंद्र का काफी विस्तार किया है। इस परमाणु संयंत्र के विकास कार्य को पाकिस्तान ने 2018 में शुरू किया था, और अहम बात ये है कि इसकी भनक भी पाक सरकार ने किसी को लगने नहीं दी थी। अब हाल ही में मैक्सार टेक्नोलॉजी की सैटेलाइट तस्वीरों से ये खुलासा हुआ है कि सितंबर 2020 तक इस कार्यक्रम को पूरा किया गया है। दरअसल चश्मा परमाणु संयंत्र को पाकिस्तान ने कनाडा की मदद से 1972 में शुरू किया था। इस संयंत्र में 400-300 मेगावाट के प्रेशराइज्ड वाटर रिएक्टर ऑपरेशनल हैं, जिसमें से 2, 3 और 4 को चीन की मदद से शुरू किया गया है। अब पाकिस्तान इस संयंत्र में भारी मात्रा में प्लूटोनियम का निर्माण कर रहा है, जिसका इस्तेमाल भविष्य में परमाणु बम को बनाने के लिए किया जा सकता है। इसी के साथ पिछले कुछ समय से पाकिस्तान बिजली की मार से भी जूझ रहा था, इसीलिए पाकिस्तान इन रिएक्टरों की मदद से बड़ी मात्रा में बिजली उत्पादन की योजना भी बना रहा है। पाकिस्तान अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए परमाणु संयंत्रों पर निर्भर होना चाहता है, क्योंकि उसके पास हाइड्रो पावर से बिजली बनाने के संसाधन सीमित हैं। पाकिस्तान दुनिया की आंखों में लगातार धूल झोंक रहा है, लेकिन वो ये भूल गया है कि आज दुनिया के पास इससे कई गुना ज्यादा क्षमता वाले परमाणु बम हैं। भारत और पाकिस्तान दोनों के पास न्यूक्लियर हथियार को ले जाने वाली मिसाइल हैं। दोनों देश एक दूसरे के आखिरी कोने तक हमले की क्षमता रखने वाले मिसाइल विकसित कर चुके हैं, लेकिन भारत के पास 5000 किलोमीटर तक मार करने वाली मिसाइल है, जो पाकिस्तान के बाहर भी हमला करने की क्षमता रखती है। और पाकिस्तान के पास भी न्यूक्लियर हथियार ले जाने वाली मिसाइल है, जो 2750 किलोमीटर तक लक्ष्य साध सकता है। भारत के पास 150 परमाणु हथियार है। चीन ने पिछले एक साल में 30 परमाणु हथियार बढ़ाए हैं, वहीं भारत ने 10 एटम बम। पाकिस्तान और चीन चाहे कितनी भी साजिशें कर ले, लेकिन भारत का मुकाबला कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि समय के साथ साथ भारत की शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ गई हैं। ऐसे में इन दोनों ही देशों को भारत ने उनकी हर साजिश का मुंहतोड़ जवाब दिया है। चीन पाकिस्तान को लगता है कि वो अपनी इन हरकतों से भारत को हरा देंगे। भले ही चीन और पाकिस्तान के पास भारत के मुकाबले परमाणु हथियार ज्यादा हैं, लेकिन पिछले कुछ सालों में भारत की ताकत जिस तरह से बढ़ी है, उसके बाद अपने न्यूक्लियर वेपन की क्षमता को लेकर वो पूरी तरह आश्वस्त है। हालांकि पाकिस्तान कई बार परमाणु की धौंस देकर भारत को युद्ध की गीदड़ भभकी दे चुका है, लेकिन उसमें पाक की ही किरकिरी हुई है। ऐसे में पाकिस्तान अब भी दुनिया की आंखों में धूल झोंक कर गुपचुप तरीके से परमाणु बम बनाने की तैयारी कर रहा है, लेकिन हर बार की तरह इस बार भी पाकिस्तान को मुंह की ही खानी पड़ेगी। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।